सीमा विवाद पर भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत चल रही है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में कई किलोमीटर पीछे हट गई। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, चीन सीमा विवाद पर क्यों चुप है पीएम मोदी। राहुल के सवाल पर रविशंकर ने कहा, चीन से जुड़े सवाल ट्विटर पर नहीं होते। समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। चौबीस घंटे में 9,985 नए केस के साथ कोरोना मरीज 3,45,000 के पार पहुंच गए। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पर कोरोना का बड़ा खतरा, एलजी के फैसले लागू करेंगे। एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं। चेन्नई में डीएमके के विधायक की कोरोना से मौत हो गई। देश में 24 घंटे में सबसे ज्यादा जांच के साथ टेस्टिंग का आंकड़ा 50,00,000 के पार पहुंचा। जम्मू कश्मीर के शोपिया में 5 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान ने फायरिंग की। मरीज बढ़ने पर राजस्थान ने सभी सीमाएं सील की। यूपी में गौहत्या पर अब 10 साल तक की सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आम्रपाली में फ्लैट खरीदने वालों को बैंक लोन की राशि जारी करे। असम के तिनसुकिया में तेल कुएं में लगी, आग बुझाने की कोशिश जारी। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज बढ़कर 90,000 के पार हो गए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई। राम जन्मभूमि परिसर में 28 सालों के बाद कुबेर टीले पर शिवलिंग का रुद्राभिषेक हुआ।